नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं। दोस्तों, आप सभी की सेवा में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। जी हां दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बाहर निकला हुआ पेट अंदर कैसे करें। दोस्तों, भारत में मोटे लोगों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। आज करीब 4 करोड़ 10 लाख ऐसे लोग भारत में मौजूद हैं जिनका वजन सामान्य से कहीं ज़्यादा है। अधिकांश लोग शुरुआत में मोटापा बढ़ने पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जब मोटापा बहुत अधिक बढ़ जाता है तो उसे घटाने के लिए घंटों पसीना बहाते हैं। मोटापा घटाने के लिए खान पान में सुधार जरूरी है। कुछ प्राकृतिक ऐसी चीज़ें हैं जिनके सेवन से वजन नियंत्रित रहता है। इसीलिए यदि आप वजन कम करने के लिए बहुत मेहनत नहीं कर पाते हैं तो हम आज आपको बता रहे हैं दोस्तों कि क्या करें जिससे कि आपका वजन घट जाएगा। नंबर 1, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली वस्तुओं से परहेज करें। शक्कर, आलू और चावल में अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है दोस्तों, ये चर्बी को बढ़ाता है। नंबर 2, केवल गेहूं के आटे की रोटी की बजाय गेहूं, सोयाबीन और चने के मिश्रित आटे की रोटी ज़्यादा फायदेमंद है। नंबर 3, रोज़ पत्ता गोभी का जूस पिएं। पत्ता गोभी में चर्बी घटाने के गुण होते हैं, इससे शरीर का मेटाबॉलिज्म सही रहता है दोस्तों। नंबर 4, पपीता नियमित रूप से खाएं, यह हर सीजन में मिल जाता है। लंबे समय तक पपीता के सेवन से कमर की अतिरिक्त चर्बी कम हो जाती है दोस्तों। नंबर 5, दही का सेवन करने से शरीर की फालतू चर्बी घट जाती है। छाछ का भी सेवन दिन में 2 से 3 बार आप कर सकते हैं दोस्तों, इसके लिए आपके लिए बेहद लाभकारी साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, नंबर 6, छोटी पीपल का बारीक चूर्ण पीसकर उससे कपड़े से छान लें। यह चूर्ण 3 ग्राम रोजाना सुबह के समय छाछ के साथ लेने से बाहर निकला हुआ पेट अंदर हो जाता है। नंबर 7, आंवले व हल्दी को बराबर मात्रा में पीसकर चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को छाछ के साथ लें, कमर एकदम पतली हो जाएगी। नंबर 8, मोटापा कम नहीं हो रहा हो तो खाने में कटी हुई हरी मिर्च या काली मिर्च को शामिल करके बढ़ते वजन पर काबू पाया जा सकता है। एक रिसर्च में पाया गया है कि वजन कम करने का सबसे बेहतरीन तरीका मिर्च खाना है। मिर्च में पाए जाने वाले तत्व कैप्साइसिन से भूख कम होती है, इससे ऊर्जा की खपत भी बढ़ जाती है जिससे वजन कंट्रोल में रहता है। नंबर 9, 1 चम्मच पुदीना रस को 2 चम्मच शहद में मिलाकर लेते रहने से मोटापा कम होता है दोस्तों। नंबर 10, दोस्तों सब्जियों और फलों में कैलोरी कम होती है, इसीलिए इनका सेवन अधिक मात्रा में करें। केला और चीकू ना खाएं, इनसे मोटापा बढ़ता है। पुदीने की चाय बनाकर पीने से मोटापा कम होता है दोस्तों। नंबर 11, खाने के साथ टमाटर और प्याज का सलाद, काली मिर्च व नमक डालकर खाएं। इनसे शरीर को विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, आयरन, पोटेशियम, लाइकोपिन और ल्यूटिन मिलेगा। इन्हें खाने के बाद खाने से पेट जल्दी भर जाएगा और वजन नियंत्रित हो जाएगा। नंबर 12, सुबह उठते ही 250 ग्राम टमाटर का रस 2-3 महीने तक लगातार पीने से आपका पेट अंदर चला जाता है दोस्तों। तो देखा दोस्तों आप सभी ने कि आज हम आप सभी के लिए औषधि लेकर के आए थे जो कि आपके पेट को अंदर करती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी घरेलू औषधियाँ लेकर के आए थे जो आपके पेट को अंदर करती हैं। ठीक इसी प्रकार से हम आगे आप सभी के लिए कुछ और औषधियाँ लेकर के आएंगे जो आपके लिए बेहद लाभकारी साबित होंगी दोस्तों। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।